हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है और आ जाइएगा हमारे ब्लॉग के साथ, बने रहिएगा। बाबू भी आ गया है, देख रहा है कि क्या कह रही है मम्मी। देखना बाबू, देखना, हाय करना, हाय करना, आ जाओ छवि फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग देखने के लिए। बोलो, हाँ बोलो, अभी बोल नहीं पाता है बाबू मेरा, देखना। हाँ कैसे बताओ ना। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा मैं आज साड़ी में फॉल लगाऊंगी, वो भी मम्मी जी की। तो देखिए फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ। और देव का कल है पेपर, देव पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, रुको। तो ये पढ़ाई कर रहे हैं, कल किसका पेपर है देव? हिंदी, हिंदी का है। तो ये मेरा ब्लॉग बन रहा है यहाँ पर। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे ब्लॉग के साथ, ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा। और देखिए मैं आपको साड़ियाँ दिखाती हूँ किस पर मैं फॉल लगाने वाली हूँ। अब ये बाबू भी नहीं मान रहा है, ये कह रहा है गोदी ले लो। क्या है, नहीं भराने देगा? ले, क्या कहेगा, क्या बोलेगा, बोल क्या बोलेगा, क्या चाहिए तुझे? हाँ तो बैठ, हम दे रहे बैठो। तो देखिए फ्रेंड्स, गुस्सा हो गया है बाबू, बैठो, गुस्सा ना हो, बैठो बैठो। देखिए मैं साड़ी दिखाऊंगी आपको, और ये बुआ जी लेटी हुई हैं। ये है साड़ी, ये मैं लगाऊंगी फॉल, और ये मेरी बुआ जी लेटी हुई हैं, देखिए आराम कर रही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये साड़ी है, एक देखती हूँ एक में लगाएं या फिर दोनों में लगा लें। एक ये साड़ी है, क्या हुआ ये और रो रहा है। एक ये साड़ी है, देखिए फ्रेंड्स कैसी लगेगी। एक इस पर फॉल लगाऊंगी और फिर मैं पहन के भी दिखाऊंगी आप लोगों को कैसी लग रही है, और साड़ी कैसी लग रही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये है साड़ी येलो कलर की, वैसे भी येलो कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, कलर साफ लगता है येलो कलर में। ठीक, चलिए मैं फॉल पर प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। हेलो हेलो जी, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, ममता ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ, ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वो तो मैं हर एक ब्लॉग में कहती हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो रेड कलर की बटन होती है ना, उसे ज़रूर दबाइएगा, और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा। जो घंटी होती है, दिखने में घंटी जैसी लगती है, उसे ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और न्यू वीडियो आप देख सको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मेरा ब्लॉग मैंने 2 बजे से स्टार्ट किया था, आज सुबह नहीं किया है, और मैंने 2 बजे से किया है स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर साड़ियों में फॉल लगाऊंगी, देखती हूँ एक साड़ी में तो लग ही जाएगी, साड़ी में फॉल लगाऊंगी, और पहले तो मैं कर लेती हूँ प्रेस। प्रेस से क्या होता है ना, फॉल अच्छी हो जाती है, और वैसे कॉटन की फॉल है तो वैसे भी धुलने के बाद वैसी हो जाती है, सिमट जाती है। तो मैं धुल के ही लगाती हूँ, जब भी फॉल लगाती हूँ धुल के ही लगाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मम्मी जी की साड़ियाँ हैं दो, तो देखती हूँ मैं एक में लगा पाती या दोनों में लगा लेती हूँ। तो मैंने वैसे भी लेट ब्लॉग स्टार्ट किया है, आज 2 बजे से स्टार्ट किया है, देखते रहिएगा आप लोग भी। और देखिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फॉल, नीचे लगा रही हूँ, फिर मैं ऊपर लगाऊंगी, और बने रहिएगा आप लोग भी मेरे ब्लॉग के साथ, ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको साड़ी कैसी लग रही है और फॉल कैसी लग रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर नीचे रख रही हूँ फॉल, और बच्चों को भी पेपर चल रहे हैं, तो बच्चे आ गए हैं पेपर दे के, अब कल पेपर है, कल फिर जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, और देव का पेपर है कल, हिंदी का है, शायद हिंदी का ही है, बता रहा था हिंदी का है। तो मैंने कहा आप पढ़ो बैठ के, जब तक मैं अपना काम करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ, ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा,
अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए आज का मौसम भी हल्का बादल सा है, धूप साफ नहीं है बिल्कुल, धूप भी कम निकली हुई है, बहुत कम, 2 बज गए हैं। वैसे बाय हिसाब से रोज़ के हिसाब से नहीं धूप निकली है आज भी। तो देखिए मम्मी जी भी आ गई थी तो मैंने कहा यहीं पर बैठो तब तक मैं लगा देती हूँ, क्योंकि अकेले में मन नहीं लगता है, कुछ भी काम करो अकेले बैठे हो तो अच्छा नहीं लगता है, बोर हो जाती हूँ मैं तो मुझे तो नहीं अच्छा लगता है, आपको पता नहीं लगता है या नहीं लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ मम्मी जी बैठी हैं और इधर बुआ जी बैठी हैं, ये दोनों लोग अपनी अपनी बातें कर रही हैं और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फॉल साड़ी में। जब तक ये लोग बातें करेंगे तो मेरा भी मन लग जाता है और मैं फॉल भी आसानी से लग जाएगी। देखिए फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ और ब्लॉग मेरा पूरा देख लिया करो, आप लोग पूरा नहीं देखते हो, आधा अधूरा छोड़ देते हो, स्किप भी मत किया करो, पूरा देख लिया करो आगे क्या क्या होता है, क्या मैं कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। देखिए ये बाबू भी आ गया है। तो आजकल के बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा शरारती हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा वैसे रिक्स चलाता है, साइकिल चलाता है, लेट के बच्चे नहीं चलाते हैं साइकिल, बहुत ज़्यादा चलाता है और मम्मी ने थोड़ा सा बोल दिया तेज तो उतने में ही रोने लगा था ये। तो देखिए फ्रेंड्स बाबू यहाँ पर रोने लगा है, मम्मी ने खड़ा कर लिया था, तो ऐसे देखिए ऐसे कूदने के लिए बहुत ज़्यादा करता है ये, देखिए कैसे कूद रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर नीचे मैंने लगा दी है, लगने वाली है मेरी फॉल, फिर मैं ऊपर लगाती हूँ ऊपर मैं। तो देखिए फ्रेंड्स ऊपर मैं पहले से ही वो बड़े बड़े टांके मार देती हूँ, तो उससे क्या होता है ना बाद में आसानी से लग जाती है फॉल, और साथ के साथ लगाओ तो उसमें थोड़ी सी झोल झोल आ जाती है, और अगर ऊपर पहले स्टिच कर दो तो झोल नहीं आती है। तो मैं पहले ऊपर वैसे स्टिच कर देती हूँ बड़े बड़े टांके, तो उसके बाद मैं नीचे लगा ऊपर लगाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ। अरे ले दादी की और बना दे, ये देखियो बुआ, अरे 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 देखिए दाल, ए बाबू 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 छोड़ 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 जी देखा ना बाबू, ए योगी तो देखिए फ्रेंड्स मेरी साड़ी में फॉल लग गई है और मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि बाहर की साफ़ सफाई पड़ी थी होने के लिए। तो मैंने वैसे भी शाम के टाइम का ही ये ब्लॉग बनाया है, तो मैं यहाँ पर बाहर लगाने लगी थी झाड़ू और गाय को पानी भी पिला दूँगी अभी, क्योंकि गाय भी प्यासी है और फटाफट मैं लग रही हूँ, फटाफट अभी लगा देती हूँ झाड़ू। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग भी बने रहिएगा और बुआ जी भी बैठी हैं नाती पोतों के साथ खिलाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे यहाँ झाड़ू लग गई है, मैं जा रही हूँ किचन में, अब किचन में क्या थोड़ी देर में आई थी वो और भी काम हो गया, कर लिया था सारा काम, जब मैंने पूरा कर लिया था तो सभी लोगों ने कहा कि आज दाल बनाओ, तो मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ मूँग की दाल। तो पहले तो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि उसमें कुछ कंकड़ वगैरह एक आध बार निकल आते हैं, वैसे ज़्यादा तो नहीं है वैसे, लेकिन तब भी मैं पहले साफ़ अच्छे से एक एक दाना करके साफ़ करती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ दाल बनने के लिए, दाल बनाऊँगी और बच्चे नहीं खाएंगे, देखते हैं बच्चे क्या खाएँगे, थोड़ी सी सब्जी भी रखी है सुबह की, अगर दाल नहीं भी खाएंगे तो वो खा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ, ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा। तो इधर बुआ जी बैठी हुई थी, वो बातचीत कर रही थी, तो मैं बुआ जी से बातें भी करती गई और दाल रख दी है मैंने बनने के लिए। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ लहसुन साफ़, तो देखिए मैं लहसुन छील रही हूँ,
मूंग की दाल है तो उसमें लहसुन लहसुन से ही छोंकती हूँ, लहसुन और जीरा और हींग हरी मिर्च वगैरह ये सब डालूंगी। तो देखिए मैं वो तैयारी में लगी हुई हूँ, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ, ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है, कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट में बता दिया करो। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी दाल बनके तैयार है। अब मैं यहाँ पर बना रही थी रोटी और दाल मैंने फ्राई कर दी है, फ्राई करके रख दी है और मैंने रोटी बनाने लगी थी क्योंकि बच्चों की मैडम आ जाती हैं। तो मैं पहले सबसे पहले तो पूजा पाठ भी इसी बीच करके आ गई थी और फिर मैं बच्चों को खिला देती हूँ, उसके बाद जो कोई खाएगा उसके बाद में बनाऊँगी क्योंकि बच्चों की आ जाती हैं फिर मैडम, तो मैडम आने से पहले मैं बना देती हूँ, खिला देती हूँ बच्चों को। तो देखिए फ्रेंड्स ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है। देखिए ब्लॉग पूरा देखिएगा आप लोग। तो देखिए मेरी गरम गरम रोटियां बनके तैयार हैं, तो आ जाइएगा आप लोग भी।